मिल गए, इतना मुश्किल से मिला ना, इन्फॉर्मेशन डेस्क पे जाके पूछना पड़ा फ्लाइट कहाँ पे आई है, तो 12 नंबर पे आई थी ये फ्लाइट का सामान पड़ा और दूसरी फ्लाइट का भी सामान इस पे आ गया था। भाई मैंने देखे दो तीन बंदों को, उनके पास बड़े बड़े बैग थे, बिना कस्टम के अंदर से मशीन के अंदर से निकाले उन्होंने पार कर दिए। अब बताओ ये तो सिस्टम है इधर का, जिसका कोई स्पार्स है कोई है उसके तो उसका सामान तो सीधा निकल जाता है, और जिसकी कुछ नहीं है तो भाई उसका फंस जाता है। तो भाई फाइनली बाहर आ गया हूँ और अपने को एक भाजी मिले जो भी ताशकंद से आए हैं भाई, वो तो वहाँ पे बढ़िया कंपनी में लगे हुए हैं जॉब करते हैं, तो वो जा रहे हैं चंडीगढ़, तो मेरे को अम्बाले तक छोड़ देंगे। तो भाई ये चैकिंग हो रही है अपनी आते ही इंडिया में, ठीक है, और यहाँ से ही मैं जाऊँगा। ये भाई देखो क्राउड से भरा पड़ा है, एयरपोर्ट है जो अपना दिल्ली वाला, पूरा एकदम धनाधन हुआ पड़ा काम है ना, तो चलो बढ़िया है, यहाँ पे वेट करते हैं, यहाँ पे आएगी गाड़ी अपनी तो देखते हैं। भाई मैं एक बात बता देता हूँ आपको, मेरे को मिल गए अपने भाई, ठीक है ना, ये भी अपने भाई अपनी तरह ट्रैवल कर रहे हैं, पर अपने तरह यूट्यूब पे नहीं है, पर ट्रैवल दिल से कर रहे हैं भाई। मतलब की नाम भाई तो ना दस विक्रम पानीपत, तो विक्रम पानीपत तो है, ते किन्ने कंट्री घूम ले भाई? 35 कंट्रिया घूम लिया, स्वाद आ गया मैंने मेरे को। भाजी तुम्हारा की नाम? भूपिंदर सिंह करनाल। भूपिंदर सिंह करनाल, तो देखो भाई एयरपोर्ट के उत्तर ही अपने भरा मिल गए, पवन मैं देखा मैं क्या किड़ा कोई होर तो नहीं खड़ा, फिर मैं चल मैं ही होना, फिर इन्हों को देखी गया मैं मेनू कह रहे, फिर मेनु बड़ी खुशी हुई, चलो वधिया वीर बहुत वधिया लगा, ठीक है कोई नहीं कदे रब ने सुपर क्या कट्ठे ट्रैवल भी करांगे आपां कदे कदे, थाईलैंड फिर ओपन हो जाए, फिर मेरा प्लान है 6 महीने ही रहना इधर ही। पासपोर्ट किया बस, ये देखो भाई सारा काम एंड किया पाया, तो यही है वधिया ट्रैवलर करने वाले बंदे ट्रैवलरां नूं पछाण सकदे, दूजियां तो नहीं पछाणिया जांदा मैनूं पता है, ते मैनूं खुशी हुई बहुत इत्थे मिल के भरावां नाल। सीधा वैक्सीन लाना पटियाले जाके 28 दिन लगने, मैं गंगानगर तो हाँ, तो मैं पटियाले पिछले 10 साल हो गए मैं पटियाले ही रहा, मैं इतने जाना जाना पहला पटियाले जाना, पटियाले तो दूजे पास मेरा घर ही है, इतने मान लो एजा कम है पे कम खिंचे जाओ भाई, बस जो आ मोटिवेशन है ना, ये मोटिवेशन जे ना करांगे तां वी धक्का लगूगा। तीन भी जो बच्चे पे ने यूक्रेन का ब्राजील का अपना अल्बानिया जाने की सलाह थी, टाइम टाइम अल्बानिया का वीजा फ्री है कि अपन कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी चलो वधिया तुसी भी देख रहे हो भरा ट्रैवल करो, नहीं नहीं अभी तो देख रहे, मैं तो उन्होंने भी कहना जो देख रहे उन्होंने भी कहना ट्रैवल करो तुसी, ते नाल यूट्यूब का चैनल बना लो, केड़ा तुक्का लग जे भूपिंदर पोल्ट्री एंड ट्रैवलर, ठीक है ना चैनल है देख लियो अपने भरा ने, ठीक है दोवां दा जोड़ा वधिया। यहाँ पे खड़े खड़े तो एक बंदे ने और अपने को पहचान लिया, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट पे थोड़ी सी अपने को मजा आ रहा है भाई, भाई क्या नाम है मेरा? नाम ऋषभ गुप्ता। ऋषभ गुप्ता है भाई, यहाँ पे एयरपोर्ट पे रहते हैं, एयरपोर्ट पे जॉब करता है। चलो भाई एयरपोर्ट पे जॉब करता है ये बंदा, ये अपने को दूर से ही पहचान लिया, मैंने पूछा कैसे पहचाना भाई? बस शकल भी पहचान लिया, वीडियो देखता हूँ भाई, अपना भी चैनल है। चैनल का नाम बता भाई? मेरे चैनल का नाम हाई एंड वंडरलस्ट है। हाई एंड वंडरलस्ट भाई का चैनल चेक कर लेना भाई, तो भाई भी मेहनत कर रहा है यार, मेहनत करने वाले को सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है।
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ। तो भाइयों अभी मैं आपको बता देता हूँ यार इंडिया में क्यों आया। तो आपको मेन रीजन तो आपको पता चल गया था, क्योंकि पहला तो यार कोविड वैक्सीन अगर है नहीं तो आपको पता है यार ट्रैवल करना बहुत ही हार्ड हो रहा था, ठीक है। उसके बाद में बड़ा टाइम हो गया था तो दिल्ली कर रहा था आने का, ऊपर से अपना जो भाई है मतलब तेजेंद्र पाल सिंह तूर उनकी शादी थी यार, तो उन्होंने मेरे को बोला भी आ जाओ। फिर दो तीन मेरे और दोस्त थे, उन्होंने है थे नहीं है अभी तो उन्होंने भी मेरे को बोला यार आ जाओ यार बड़ा टाइम हो गया यार मिलते हैं अभी। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार। फिर मैंने घर पे बात की, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे करके मैं आ रहा हूँ, तो घर वाले तो आपको पता है मना कौन करता है यार। तो फिर मैं आ गया इंडिया और सबसे पहले आते ही मैंने वैक्सीन लगवाई, फिर शादी का काम किया, शादी में किया आया और पूरे मजे किए, मिले गुले सबसे। और उसके बाद में नेक्स्ट ट्रिप के लिए वीजा वगैरह, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं इंडिया से आया था ना तो मैं एक ही वीजा लेके आया था यार, रसिया का लेके आया था। उसके बाद में आके मैंने दो बार ई वीजा अप्लाई भी किए थे कि मतलब किर्गिस्तान, आपने वीडियो देखी हो तो आपको पता लगेगा यार किर्गिस्तान का और आर्मेनिया का वीजा अप्लाई भी किया था, पर भाई मतलब उनका आज तक रिस्पॉन्स नहीं आया, उनकी पेमेंट भी हमने कर दी थी। क्योंकि ई वीजा में क्या होता है, अगर आप पेमेंट कर देते हो वीजा आए ना आए उनका कोई वो नहीं है, लेना देना ही नहीं है, वो आपकी हेडिक है। तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो ई वीजा मतलब इलेक्ट्रॉनिक वीजा होता है, उनमें कोई देखने वाला नहीं होता, वो ऑटोमेटिक ही होता है सिस्टम उसका। तो वो वीजा तो आया नहीं, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर हम आपको पता है डायरेक्ट सर्बिया की वो सीरीज देखोगे तो आपको पता लग ही जाएगा भी कैसे कैसे किया था। पर इंडिया से हम एक ही वीजा लेके निकले थे भाई, बाद में हमें वीजा मिले ही नहीं, तो चलो वीजा फ्री कंट्री थी दो कंट्रियां, तो हम वहां चले गए। उतने में टाइम मिल गया तो फिर यूक्रेन का वीजा ले लिया, फिर उज्बेकिस्तान का ले लिया, फिर दुबई का थोड़ा वहां से डिले हो गया, यूक्रेन में था तो दुबई का प्लान नहीं बना था। पर नेक्स्ट ट्रिप नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पता चल जाएगा यार आपको पूरा, मतलब अभी जो एक क्वालिटी आप बोलते थे भी क्वालिटी कम है, वॉइस की प्रॉब्लम है, सारी आपकी जो है खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि मैं सारा बढ़िया से प्लान कर रहा हूँ ट्रिप का, पूरा नेक्स्ट ट्रिप का पूरा अच्छे से प्लान हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई मर्जी आपकी, ठीक है, हमारा तो कहने का फर्ज समझ लो यार, ठीक है। बाकी जिसको पसंद आता है वो कर लेता, नहीं आता मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तो ऐसे करके बात है, इसीलिए मैं इंडिया आया था और एक महीना इंडिया में रहा था मैं भाई, आपको सीधी बताऊं, क्योंकि जब ये वीडियो डल जाएगी उसके बाद नेक्स्ट ट्रिप ऐसे स्टार्ट हो जाएगी, हाथों हाथ स्टार्ट हो जाएगी। आप बोलोगे भी यार इंडिया में एक महीना कैसे, एक महीना चार दिन, मतलब मैं 5 तारीख को इंडिया पहुंच गया था, 5 अक्टूबर को, और 9 तारीख को मेरी नई ट्रिप स्टार्ट भी हो गई, आज तो तारीख भी ज्यादा हो गई, ठीक है। तो ऐसे करके बात है भाई, ये वीडियो आपकी डलेगी उसके बाद में रेगुलर वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब नई नई कंट्रियों के बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस
मैंने बहुत पहले प्लान कर लिया था, उज्बेकिस्तान में था ना, वहां से मैं प्लान करके सारा कुछ डिसाइड कर लिया था। उसके बाद में उसी हिसाब से मैंने वीजा वगैरह सारे कलेक्ट कर लिए हैं और प्लान सारा रेडी है। तो तैयार रहो, पहली ट्रिप को आपने बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत खुशी मिली वाकई में यार, मैंने इतना सोचा ही नहीं था जितना आपने प्यार दिया। अब दूसरी ट्रिप में मैंने कुछ सोचा है अच्छा करने का, अच्छे गैजेट लेके, अच्छी इम्प्रूवमेंट करके, बढ़िया थोड़ा सा आपको भी मजा आए देखने को, कुछ सीखने को मिले कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। और बाकी हाँ, जो एक ट्रिप करनी थी हमें, दुबई की ट्रिप अनाउंस की थी, वो ट्रिप भी होगी ठीक है, पर उसके लिए हमारे पास लिमिटेड बंदे, लिमिटेड ही रखे हमने, ज्यादा नहीं लेके आ रहे हैं उसमें, क्योंकि भाई दुबई का सीजन चल रहा है, ये ऊपर से न्यू ईयर आ रहा है आगे दिसंबर के, दिसंबर में आपको पता ही है, तो हमारा दिसंबर में ही प्लान है उस ट्रिप का। तो जितने हमारे पास बंदे हैं उन्होंने पूरा सारा कुछ प्लान बुक कर लिया है हमने, तो वो ट्रिप भी दिसंबर में दुबई की पूरे ग्रुप के साथ करेंगे हम। तो इस टाइम मैं कहाँ पे हूँ आपको पता नहीं है, तो मैं बता रहा था मैं ट्रिप पे ही आ गया समझ लो आप, ये लगा लो भाई, ये देख लो ठीक है, देखो कितना प्यारा मौसम है ना। तो ऐसे करके बात है, बाकी और प्यार करते रहिए, ट्रैवल कीजिए, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है तो भाई मत देखिए, अगर आपको लगता है कुछ देखने के बाद सीखने को मिल रहा है तो जरूर देखिए उसको, अपने आप के ऊपर मतलब वो कीजिए यार, एनालाइज कीजिए आप कैसे करोगे ठीक है ना। इस खाली देखने से तो क्या होता है, बहुत कुछ दिखाते हैं लोग, पर हमारा मेरा मोटिव तो यही है भाई, मैं आप ट्रैवल कर रहा हूँ तो आप भी ट्रैवल कीजिए यार, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो ठीक है। बाकी लोग क्या बोले क्या बोले, लोगों का तो किसी का मुंह ही नहीं बंद कर सकते ठीक है। तो ऐसे करके बात है, मेन बात जो एक मैं बात बता देता हूँ वो क्या है, आप बोलोगे एक महीना घर पे निकल गया पता ही लगा यार, तो ऐसे करके बात है, इंस्टाग्राम पे अगर आप नहीं हो तो भाई इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहां पे लाइव चीज का अपडेट रहता है यार। यूट्यूब पे तो जो चीज बनती है ना, अब आज व्लॉग बना रहा हूं तो वो शायद दो दिन बाद आए, तीन दिन बाद आए ठीक, ऐसे करके डिले रहता है, पर इंस्टाग्राम पे डिले नहीं रहता कुछ भी भाई, एट ए टाइम लाइव चलता है। तो ठीक है, तो लाइव जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पे, और फेसबुक का पेज भी अपना है, उस पर भी मैं वीडियो डालता हूँ, क्योंकि कई बार कॉपीराइट क्लेम का बड़ा पंगा चलता है यार, कोई म्यूजिक आ जाता है कुछ भी आ जाता है ना, तो इस वीडियो में आपके देखे जैसे वो तो लाइव चल रहा है, चल लाइव के म्यूजिक कुलविंदर बिल्ला के म्यूजिक है, लाइव चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे पहले के किसी मतलब कंपनी के म्यूजिक हो या कुछ भी हो तो वो अगर वीडियो में आ जाए तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो फेसबुक पे कुछ नहीं आता भाई, वहां पे तो खुला काम है। तो फेसबुक पे भी सेम इंस्टाग्राम वाला पेज का नाम है जो ही फेसबुक पे है ठीक है। तो नई ट्रिप के लिए हो जाओ तैयार, आपका भाई तो तैयारी है ठीक है भाई। तो नई ट्रिप अच्छे से ही प्लान होगी, अच्छे से प्लान की दी कर दी मैंने यार, सीधी बताऊं मैं ट्रिप के ऊपर वहीं पे बैठा हूँ, डेस्टिनेशन पे बैठा हूँ, अभी होस्ट के घर पे हूँ, ये सारा देख लो एकदम मजा आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है भाइयों।